आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक चुलबुली और शोख अभिनेत्री की। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी। दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो उधर मुंह फेरे वो चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी।
आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें नरगिस दत्त की। का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की मां थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहां तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश ए हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू हो गई। गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा, तू गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा। जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दनबाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। क्योंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात। मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया, मुझे किसी से प्यार हो गया। जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले, उलपत से झोली भर ले, दुनिया है 4 दिन की, जी ले चाहे मर ले, हो डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही। दुनिया पानी तो भी पानी, लेता जा उल्फत की निशानी, दो लफ्जों की एक कहानी, एक मोहब्बत एक जवानी, यादें से तू कर ले, यादें से तू कर ले, डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत। जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई
श्री 420। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ। के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं।
इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी, राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, ये रात कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया। नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। खटपुट करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, भर भर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए, हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में यह फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थीं। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली। माता पिता उनकी
दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में 3 बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं है। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब तो बदला ऐ दिल मेरे, बाकी है अब कितने फेरे, अब तो रुके ये सफर, मेरा भी हो कोई घर। सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई। जाना था हम से दूर, बहाने बना लिए, तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर। पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन। रुखसत के वक्त तुमने जो
के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।